गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर जीके क्लास। चिल्ड्रन, नाउ वी विल कंटिन्यू व्हाट वी हैड लेफ्ट इन अ प्रीवियस क्लास। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन, लेट अस सी व्हाट वी हैड लर्नड। वी हैड इन प्रीवियस क्लास वी हैड लर्नड अबाउट हाइड एंड सीक। ओके, सो नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट गेम, दैट इज कबड्डी। ओके, so this is children page number 29. okay, so now we will just follow the same method which we were following earlier. What we do children, we will first read what is written thrice, okay, and then we will try to understand what is written. Okay, in kabaddi the player of one team called the raider has to go to the other side. The raider has to touch the player of the opposite team while saying kabaddi loudly and in one breath. The players of the opposite team try and catch the raider before he returns to his team side. If he comes back to his side while saying kabaddi, the player of the opposite teams has touched are out. If the raider runs out of the breath and stops saying kabaddi before he returns, he is considered out. Now again we will read this. In kabaddi the player of one team called the raider has to go to the other side. The raider has to touch the player of the opposite team while saying kabaddi loudly and in one breath. The player of the opposite team try and catch the raider before he returns to his team's side. If he comes back to his side while saying kabaddi, the player of the opposite team he has touched are out. If the raider runs out of the breath and stops saying kabaddi before he returns, he is considered out. Now children, what does this mean? यानि यहाँ पे कबड्डी में दो teams होंगी, okay? यहाँ पे आपको कितनी teams दी जाएंगी? आपको दो teams दी जाएंगी, okay? So let us see. Suppose ये एक box है, okay? This is the ground और यहाँ पर ये जो है हाफ यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कुछ लोग होंगे। सी सपोज यहाँ जो प्लेयर्स हैं, सपोज दीज आर दी प्लेयर्स, ओके, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे प्लेयर्स। तो यहाँ पे गेम बच्चों कैसे खेला जाएगा कि यहाँ से सपोज यहाँ पर ये जो एक आदमी है, ये जो है सामने वाली टीम में सामने वाले जगह पे जाएगा। तो जब ये जाएगा इसे हम क्या कहेंगे, रेडर कहेंगे, ओके। तो इसे क्या कहेंगे, रेडर कहेंगे। तो ये जाएगा यहाँ पे इन सारे प्लेयर्स को टच करने की कोशिश करेगा, ओके। तो ये जो प्लेयर है यहाँ पे जाएगा, तो ये जो रेडर है जब दूसरे वाले ऑपोजिट टीम के पास जाएगा तो ऑपोजिट वाले टीम को टच करने की कोशिश करेगा। और ये टच करते समय इसको कबड्डी कबड्डी बोलते रहना है। अगर ये रुक गया तो ये तुरंत ही हार जाएगा, ओके। सो इसके लिए इसे लगातार कबड्डी कबड्डी बोलते रहना है और इन प्लेयर्स को टच करने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ओके। अगर ये टच कबड्डी कबड्डी बोलते हुए ये टच करके वापस से अपनी टीम में लौट गया, तो यहाँ पर इन्होंने जितने प्लेयर्स को टच किया होगा, सपोज इस रेडर ने 1, 2, 3 प्लेयर्स को टच कर लिया, तो ये तीनों आउट हो जाएंगे, ओके। और ये जो है ऑपोजिट वाले कोशिश करते रहेंगे कि इसको रेडर को टच करके बाहर जाने ना मिले, ओके, या अपनी टीम में जा ना पाए। तो अगली वाली टीम क्या करेगी, जो नेक्स्ट टीम है वो ये कोशिश करेगी कि रेडर को अपने इस एरिया से बाहर जाने को ना दे, या फिर वो कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ दे, ओके। तो इन लोग कोशिश करेंगे कि जो रेडर है वो वापस से अपनी टीम के पास ना जा पाए, ओके। सो ये कौन सा गेम है, यह है कबड्डी, ओके।
अगेन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू प्ले दिस गेम। यहाँ पर आपको दो साइड होंगे, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे दो टीम्स मिलेंगी आपको, ओके ठीक है। तो हर टीम में अपने एक प्लेयर होंगे, ओके ठीक है, अपनी टीम का एक एक प्लेयर होगा। तो जो प्लेयर, सपोज ये प्लेयर यहाँ पे जाएगा और इन सबको बाकी सारे ये जो दूसरे टीम के, सपोज दिस इज टीम ए एंड दिस इज टीम बी, तो टीम ए का एक प्लेयर टीम बी के पास जाएगा कबड्डी कबड्डी कहते हुए और इन बी टीम के प्लेयर्स को टच करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इनको टच करेगा वो तुरंत ही अपनी टीम में भाग जाएगा। और अगर टीम ए के किसी प्लेयर ने ऐसे कर दिया किसी को भी, सपोज इनको टच करके ये वापस चले आए टीम बी के मेंबर्स को, तो फिर जितने प्लेयर्स को टीम ए के प्लेयर ने टच किया है वो सारे आउट हो जाएंगे, ओके। एंड तो यहाँ पे अब टीम बी क्या करेगी, खड़े रह के अपने आपको टच थोड़ी ना करवाएगी, नहीं, टीम बी क्या कोशिश करेगी, जब टीम ए का प्लेयर टीम बी में आने की कोशिश करेगी तो टीम बी ये कोशिश करेगा कि जब ये प्लेयर यहाँ पर आ गया है तो इसे पकड़ के रखें, तो सारे जो टीम ए के टीम बी के मेंबर्स हैं वो सारे इनको पकड़ लेंगे और टीम ए में वापस जाने नहीं देंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये प्लेयर आउट हो जाता है, ओके। सो ये कौन सा गेम है चिल्ड्रन, दिस इज़ अ कबड्डी, ओके। सो नाउ चिल्ड्रन we will have a quick recap of the games we play. First we learnt about the hopscotch game, okay, so we learnt about the hopscotch game. हमने पहले ही previous class में देख लिया था ये कैसे खेला जाता है. Then we learnt about the rubber band jump game, जो कहाँ play किया जाता है, China में play किया जाता है, okay. So ये कहाँ खेला जाता है बच्चों, China में, okay. Then we learnt about the tops, okay. So we learnt about tops. Tops किन किन चीज़ों से बना रहता है, wood, bamboo और plastic. Okay. Then we learnt about the blind man's buff, जहाँ पर एक जिसके ऊपर टर्न है उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो दूसरों को पकड़ने की कोशिश करता है जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है. Okay. Then the next game we learnt about is the hide and seek game. Okay. तो हाइड एंड सीक कहीं पे भी खेला जा सकता है, आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था, जो सबसे पहला जिसको सीकर पकड़ लेगा उसके ऊपर नेक्स्ट टर्न होगी और जो लास्ट में फाउंड पकड़ा जाएगा उसे हम विनर कहेंगे. अभी चिल्ड्रन आपने अभी कबड्डी के बारे में पढ़ा, ओके. तो अभी आपने कबड्डी के बारे में पढ़ा. नाउ चिल्ड्रन व्हाट विल वी डू, नाउ वी विल लुक एट द बॉटम ऑफ द पेज. नाउ लेट अस सी यहाँ पे हमें क्या करने के लिए कहा है, हमें पूछा है, क्विक क्विज है ये आपका, कैन यू राइट द नेम्स ऑफ दिस इंडोर गेम्स. नाउ व्हाट आर इंडोर गेम्स चिल्ड्रन, इंडोर गेम ऐसे गेम्स होते हैं जो आप घर के अंदर इजीली खेल सकते हैं, ओके. सो जो आप घर के बाहर खेलते हैं वो होते हैं आउटडोर गेम्स, जो आप घर के अंदर खेलते हैं वो आपके इंडोर गेम्स होते हैं, ओके. तो ये जो गेम्स है ये कैसे गेम है, इंडोर गेम्स है, दैट मीन्स यू कैन ईजिली प्ले इन योर हाउस, ओके. सो द फर्स्ट गेम इज, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बोर्ड है और बहुत सारे पीसेस, ओके. तो ये कौन सा गेम है, ये चेस गेम है, ये बोर्ड गेम है. एंड चेस आपको पता है इंडिया में इन्वेंट किया गया था, ओरिजिनेट हुआ था, ओके. सो चिल्ड्रन राइट डाउन, दिस गेम इज ऑफ चेस. व्हाट, हाउ विल यू राइट चेस, सी एच ई एस. फिर सेकेंड गेम, ये तो आप सबका फेवरेट गेम है, आपको पता ही चल गया होगा ये कौन सा गेम है, ये है लूडो, एल यू डी ओ, लूडो. राइट डाउन चिल्ड्रन, लूडो. देन द नेक्स्ट है स्क्रैबल गेम. स्क्रैबल में क्या करना होता है, आपको वर्ड्स बनाने होते हैं. आपको क्या बनाना होता है, आपको वर्ड बनाना होता है, ओके. आपको क्या करना है, आपको वर्ड बनाना. हाउ विल यू राइट स्क्रैबल, एस सी आर ए बी बी एल ई, स्क्रैबल. राइट डाउन चिल्ड्रन,
देन यू विल राइट लूडो। स्क्रैबल में आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे, आपको लेटर्स दिए जाएंगे और उस लेटर के हेल्प से आपको वर्ड्स बनाने हैं। ओके, दिस इज अ स्क्रैबल। Write down, children. I hope you have written this. The first indoor game is chess, the second is Ludo, and the third is Scrabble. If you have not written, children, you can pause the video here and you can write down chess. How will you spell chess? CHESS, chess. Then you will write Ludo, LU. Dio Ludo, then you will write Scrabble, SCRABBLE, Scrabble. Now children, turn to page number 30, okay? So आप page turn करके page number 30 के पास जाएंगे और आज आप नया chapter देखेंगे, spot the difference. यानी आपको क्या करना है, आपको दोनों picture को ध्यान से देखना है और उसमें क्या अलग है आपको find करना है, यानी जो difference है वो आपको तुरंत ही फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, लुक एट दी टू पिक्चर्स केयरफुली। इन द सेकंड पिक्चर सर्कल दी सेवन रेड सर्कल विथ रेड दी सेवन थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट पिक्चर। तो आप जो है अब क्या करेंगे, आपको दोनों पिक्चर्स को अगर आप अपनी पेज में देखें तो आपको दोनों पिक्चर दिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो आपको दोनों पिक्चर ध्यान से देखना है और आपको कंपेयर करना है कि इनमें क्या क्या अलग होगा। ओके चिल्ड्रन, और आपको सेवन थिंग्स है जो रेड में सर्कल करना है, यानी आपको रेड क्रेयॉन लेना है और इससे आपको सर्कल करना है जो जो डिफरेंट। ओके, नाउ यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर एंड देन द सेकंड पिक्चर। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन लुक एट द फर्स्ट एंड द सेकंड पिक्चर। नाउ लुक हियर, अगर आप सबसे पहले देखें तो जेलीफिश को देखेंगे। हम सबसे पहले किसको देखेंगे, हम जो है जेलीफिश को देखेंगे। लुक योर चिल्ड्रन, आप सबसे पहले किसको देखेंगे, जेलीफिश को देखेंगे। जो फर्स्ट जेलीफिश है उसको यहाँ पर फोर लेग्स हैं और यहाँ पे कितने लेग्स हैं, ओनली थ्री। तो यह आपका फर्स्ट डिफरेंस होगा। तो सर्कल चिल्ड्रन दी जेलीफिश, आप जो है रेड से सर्कल करेंगे। ओके, तो आप किससे सर्कल करेंगे, रेड से करेंगे। तो चिल्ड्रन सर्कल दी जेलीफिश विथ रेड क्रेयॉन। ओके, नाउ चिल्ड्रन आई होप यू हैव सर्कल्ड, आपने जेलीफिश को रेड में सर्कल कर दिया है। क्लियर, नाउ लेट अस लुक एट दी टर्टल्स। ओके, हम क्या करेंगे, हम टर्टल को देखेंगे। अब बच्चा आपको टर्टोइस को देखना है, टर्टोइस में देखो तो यहाँ पर ऊपर कितने स्पॉट्स है टर्टोइस को, फोर, और यहाँ पर थ्री स्पॉट्स है, ये सुनो। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सर्कल कर देंगे टर्टोइस को भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्री ही स्पॉट्स है। फिर उसके बगल में आप फिशेस को देखेंगे, यहाँ पे देखो टर्टल के नीचे यहाँ पर एक फिश है, यहाँ पर फिश नहीं है, तो आप इसे भी सर्कल कर देंगे। ओके, यस। फिर अगर आप अब यहाँ पे आप तीन चीज़ों को सर्कल कर दो फटाक से, जल्दी जल्दी आप सर्कल कर दो बच्चों। कौन सी तीन चीज़ों को आप सर्कल करेंगे, तो जेली फिश का लेग, द टर्टोइज एंड द एक्स्ट्रा फिश हियर। तो आप सेकंड पिक्चर में सर्कल करेंगे ये, ये और ये। सर्कल चिल्ड्रन फास्ट, I hope you have circled this. Now children, let us find the other difference. Now children, we will look at the octopus. Okay? So, अब दोनों octopus को ध्यान से देखो, आपको कुछ अलग नज़र आ रहा है, can you find the difference? Yes, you can find the difference in the cap.
जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें ऑक्टोपस की कैप रेड कलर में है, एंड द सेकंड पिक्चर द ऑक्टोपस की जो कैप है वो ग्रीन कलर में. सो चिल्ड्रन सर्कल डाउन द ऑक्टोपस. ओके, अगर आप देखें तो ऑक्टोपस के पैर के पास एक शेल रखा हुआ है, यहाँ उसे भी सर्कल कर दो क्योंकि फर्स्ट पिक्चर में ऑक्टोपस के पास कोई भी शेल नहीं है. यस, देन यू कैन सी दी कोरल्स हियर. यहाँ पे कोरल्स के पास तीन फिशेस हैं, यहाँ पे कोरल के पास हाउ मेनी फिशेस हैं, ओनली टू. सो यू विल सर्कल इट, सर्कल कर दो फास्ट. एंड द लास्ट वन, यहाँ पे स्टार फिशेस देखो, यहाँ पे टू स्टार फिशेस हैं, लेकिन अगर आप सेकंड पिक्चर में देखो तो यहाँ पे कितनी फिशेस हैं, थ्री. तो यहाँ पर स्टार फिश को भी सर्कल कर दो. तो आपने किस किस को सर्कल किया है? आपने जेली फिश को सर्कल किया है, आपने टॉर्टोइस को सर्कल किया है, देन यू हैव सर्कल्ड एन एक्स्ट्रा फिश, देन कोरल में एक्स्ट्रा फिश को आपने सर्कल किया है, आपने एक्स्ट्रा स्टार फिश सर्कल की है, देन यू हैव सर्कल्ड दी शेल. यस, देन यू हैव सर्कल्ड दी ऑक्टोपस सिस कैप. I hope you have written this in your notebook, in your textbook, children. So very good, children. Now you have a very sharp eyesight. कि आपने इतनी जल्दी जल्दी find कर दिया है. Now let us find difference in another picture. Okay? तो हम क्या करेंगे? हम एक और ऐसे ही एक picture देखेंगे और वहाँ पर difference find out करने की कोशिश करेंगे. के चिल्ड्रन, सो दैट हमें पता चले कि हमारी आईज जो है कितनी शार्प है. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव रिटन दिस. सो आई एम इरेजिंग दिस. इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे जहाँ पर हम ऐसे ही इसी तरह से डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ चिल्ड्रन, लुक एट द न्यू पिक्चर. दिस इज ऑल्सो एन अंडर वाटर सीनरी, जैसे आपने पहले देखा था. अब यहाँ पे इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे. ओके एवरीवन, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को और आपको डिफरेंसेस फाइंड करने. लेट अस सी आप कितने डिफरेंसेस फाइंड कर पा रहे हैं. सी, यहाँ पर आपने आप देखेंगे कि यहाँ पे दिस इज द पिक्चर वन एंड दिस इज द पिक्चर टू. ओके, तो ये है फर्स्ट पिक्चर, ये है सेकेंड पिक्चर. तो आप इन दोनों पिक्चर को कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ आप डिफरेंस फाइंड कर पा रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, सो एवरीवन लुक हियर इन द पिक्चर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस. ओके, आई होप चिल्ड्रन अभी आपने सारे डिफरेंसेस फाइंड कर लिए होंगे और आप मुझे बताने के लिए रेडी होंगे. ओके, नाउ लेट अस सी. अब नाउ चेक कीजिए, आपने भी वही डिफरेंसेस फाइंड किए जो टीचर ने फाइंड किए या फिर आपने कुछ और फाइंड किए. अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा फाइंड किया है तो आप टीचर को क्लास में बताएंगे. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंसेस. यहाँ पर अगर आप फर्स्ट देखें तो यहाँ पर आप इस आइलैंड को देखेंगे. यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे ओनली वन कोकोनट ट्री है, लेकिन अगर आप सेकंड पिक्चर में देखें तो यहाँ पे सेकंड पिक्चर में यू कैन फाइंड टू कोकोनट ट्री. तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया. यस, यस. देन फिर अगर हम उसी पिक्चर के थ्रू अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लाउड भी है. यस और नो? यस, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लाउड है. देन इफ वी सी दी बोट, जो शिप है वहाँ पर एक रेड स्ट्रिंग जा रही है, तो वो भी एक डिफरेंस है. देन वी सी देयर इज अ सी हॉर्स. यस, देयर इज अ सी हॉर्स. फिर उसके बगल में क्या है? एक ट्रेजर चेस्ट जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसे सर्कल कर देंगे. फिर ट्रेजर चेस्ट के ऊपर एक फिश है
जो यहाँ पर ऑरेंज है और यहाँ पर ब्लू है, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी सर्कल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने सर्कल कर दिया। फिर उसके बगल में अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास एक क्रैब है जो कि यहाँ पर नहीं है। एंड देन चिल्ड्रन वी कैन सी अ पिंक ऑक्टोपस। यहाँ पे जो पिंक ऑक्टोपस है उसके फोर लेग्स हैं, यहाँ पर भी फोर लेग्स है, ये सेम है। देन यू कैन सी द शेल, इट इज़ इन ग्रीन कलर एंड हियर इट इज़ इन ब्राउन कलर। यहाँ पे चार कॉइन्स हैं, यहाँ पे फिर भी कॉइन्स सारे हैं। सो हमने इतने सारे डिफरेंसेस फाइंड कर लिए। हाउ मेनी डिफरेंस हमने फाइंड किए हैं बच्चों? वी हैव फाउंड 7 डिफरेंसेस। ओके, हमने कितने डिफरेंसेस फाइंड किए? 7। अगर आप इसके अलावा और भी डिफरेंसेस आपने फाइंड किए हैं तो आप टीचर को क्लास में बताएंगे। ओके, सो सी हमने क्या क्या फाइंड किया। एन एक्स्ट्रा क्लाउड, एक्स्ट्रा कोकोनट ट्री, अ रेड रिबन, अ ब्लू फिश, देन हमने ट्रेजर चेस्ट भी फाइंड किया है, फिर हमने क्रैब को भी देखा और एक शेल को भी देखा। नाउ लुक योर चिल्ड्रन, वापस से आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर को। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड यू कैन नाउ फाइंड द डिफरेंस। ओके, इफ यू वांट आप यहाँ पर पॉज करके सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, दिस इज एन एक्स्ट्रा पिक्चर जहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने डिफरेंसेस फाइंड करने सीखे। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर सारे डिफरेंसेस दिख गए होंगे। सुनाओ चिल्ड्रन, अब हमें पता चल गया है कि हमारी आई साइट बहुत ही स्ट्रांग है और हमने बहुत ही इजीली सारे डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिए। नाउ चिल्ड्रन वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 31, ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स। ओके, नाउ चिल्ड्रन वी विल लर्न अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स। चिल्ड्रन दिस इज पेज नंबर 31। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल रीड व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन रीड करेंगे। गिवन बिलो आर सम ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ दिस क्लोथ्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नाउ चिल्ड्रन व्हाट विल वी डू, हम जो है वापस से इसे रीड करेंगे ट्वाइस। गिवन बिलो आर सम ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दीज क्लोथ्स from the help box. Given below are some traditional Indian clothes. Identify the names of this clothes from the help box. यानी children यहाँ पे क्या है दिया गया है आपको, कुछ Indian clothes दिए गए हैं आपको। Now children अब हमें क्या है, हमें क्या दिया गया है, हमें traditional Indian clothes दिए गए हैं और हमें उसे identify करके वहाँ पे उसका numbering लिखना। Okay, so you can see here. Now children, you can see here, help box में आपको दिए गए हैं और साथ में उसके adjoining आपको एक letter भी दिया गया है, तो आपको guess करना है वो क्या है, and then you have to put them. Okay, now see, look at the first picture. Children, now look at the first picture. ये जो है ये first picture है, तो can you guess ये कौन सा picture है? Yes children, you all know ये क्या है, ये सारी है। सारी आपकी मम्मा पहनती है कि नहीं? यस, यू कैन सी, यू कैन सी, आपको ये अच्छे से पता है ये कौन सा ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथ है, ये सारी है जो आपकी मम्मा पहनती है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, आप जाएंगे नीचे, आप नीचे देखेंगे अपने हेल्प बॉक्स में, सारी कहाँ है, यहाँ, ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर ये रही सारी। ओके, सारी का नंबर क्या है, सी। सारी में क्या है, सी, उसका नंबर सी है ना। अगर आप देखें उसका एडजॉइनिंग अल्फ़ाबेट है ना, उसके बगल में जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है, सी है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे उस सर्कल में आप क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन राइट डाउन सी, बिकॉज दिस इज अ सारी। और आपने हेल्प बॉक्स में देखा था कि यहाँ पर ये क्या है लिखा था, सारी के एडजॉइनिंग कौन सा लेटर था, सी। सो राइट डाउन चिल्ड्रन सी।
आई होप यू हैव रिटन दिस। आपने लिख लिया होगा। वेरी गुड चिल्ड्रन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पिक्चर। जो नेक्स्ट पिक्चर है अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है चिल्ड्रन, ये है शेरवानी। यस, ये जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कोई शादी होती है तब हम पहनते हैं, तो ये क्या है शेरवानी। ओके, ये कौन सा ट्रेडिशनल क्लॉथ है बच्चों, ये है शेरवानी। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से हम हेल्प बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ लिखा है शेरवानी। जिस लुक योर चिल्ड्रन, आप हेल्प बॉक्स देखिए। यस, आप देख रहे हैं पूरा। यस, तो कहाँ है शेरवानी, ये रहा शेरवानी। ओके, तो शेरवानी, ये रहा शेरवानी। अब यहाँ पर एडजॉइनिंग अल्फाबेट कौन सा है, वो है ई। तो आप वहाँ पर शेरवानी के सर्कल में क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन ई। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ई। इस सर्कल में आप ई लिखेंगे। ओके, सो लिख दीजिए बच्चों ई। यस, राइट डाउन चिल्ड्रन ई। फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सेकंड में आप ई लिखेंगे। ओके, आई होप आपने ये दोनों पिक्चर्स एडजॉइनिंग पिक्चर्स में आपने लिख लिया है, सी और ई। फर्स्ट है सारी, सेकंड है शेरवानी। नाउ चिल्ड्रन लुक एट दी नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर नंबर 3। ओके, आप कौन सा पिक्चर देखेंगे, 3। अब आपको बॉटम का दिया हुआ, यानी आपको नीचे का देखना है, तो ये क्या है बच्चों, ये है धोती। ओके, ये क्या है, धोती। अगेन आप जाएंगे हेल्प बॉक्स में, कहाँ है धोती लिखा हुआ आपके हेल्प बॉक्स में, यू कैन सी यहाँ पर है, ये रहा। और इसका एडजॉइनिंग अल्फाबेट क्या है, एफ। यस, ये एफ से नोटिफाइड है। तो अब आप क्या करेंगे, धोती के सर्कल में आप एफ लिखेंगे। ओके, जो थर्ड पिक्चर है, सो राइट डाउन चिल्ड्रन। यहाँ पर आप एफ लिखेंगे, लिख दीजिए एफ चिल्ड्रन। आई होप यू हैव रिटन दिस। द फर्स्ट इज सी, द सेकेंड इज ई एंड द थर्ड वन इज एफ। ओके, सारी शेरवानी एंड थर्ड इज धोती। ओके, नाउ चिल्ड्रन, I hope you have written this. Now let us go to the next picture, picture number 4. अब देखिए picture number 4. क्या लगता है आपको, ये क्या है, what is this, what do you think it is? This is a सलवार कमीज। Yes, you all know this is a सलवार कमीज। आपने देखा है ना कौन पहनता है, या आपकी दीदी पहनती है, या आपकी मम्मा पहनती है। Yes, घर में सारे लेडीज पहनते हैं इसे। ये क्या है, सलवार कमीज। ओके, तो अभी आप क्या करेंगे, बच्चों अभी हम जाएंगे फिर से हेल्प बॉक्स में। नाउ लुक हियर, कहाँ पर है सलवार कमीज, कैन यू सी हियर। अभी आपको पता है ये साड़ी है, ये धोती है, आपने फाइंड कर लिया, शेरवानी भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, सलवार कमीज। हियर, ये रहा आपका सलवार कमीज। और ये कौन से लेटर के साथ है, लेटर एच के साथ है। तो अभी आप ऊपर पिक्चर में कौन सा लेटर लिखेंगे, आप लिखेंगे लेटर एच। सो राइट डाउन हियर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेटर एच। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, ये सारे आपके ट्रेडिशनल इंडियन गारमेंट्स है। ओके, ये सारा क्या है, इंडियन गारमेंट्स। नाउ यहाँ पर आई होप आपने एच लिख दिया है। नाउ चिल्ड्रन लुक एट दी नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर नंबर 5। ये इन्होंने क्या पहना हुआ है, इन्होंने लहंगा चोली पहना हुआ। आपको ही पसंद है कि नहीं लहंगा चोली। यस, ऑल गर्ल्स लव टू वेयर दिस लहंगा चोली। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हम इसे
होमवर्क में करेंगे। सो अभी आप क्या करेंगे, आप हेल्प बॉक्स में लहंगा चोली ढूंढेंगे और टीचर को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आपको कौन से लेटर के पास मिला था। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड चिल्ड्रन हैव अ नाइस डे। ओके थैंक यू चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे।